हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो उनकी बांदी आई वुजू कराने के लिए, तो वुजू कराना शुरू हो गई तो उसके हाथ से जो लोटा छूटा तो उन पर आके लगा और ज़ख्म हो गया। तो गुस्साया इंसान है कि नौकरानी से वो बांदी थी ज़ख्म हो गया, तो उन्होंने गुस्से से देखा ओ उस वक्त की बांदियाँ भी कुरान जानती थीं, आज का हमारा नमाजी तहज्जुद गुजार भी कुरान नहीं जानता। तो वह कहने लगी वल काज़िमीन अल ग़ैज़, जन्नत को पाने वाले गुस्सा पीने वाले होते हैं। एकदम गुस्से पे कंट्रोल किया, का कसम तो ग़ैज़ी मैंने गुस्सा पी लिया। उसने आगे पढ़ा वल आफीन अनिन्नास, इस आयत का अगला हिस्सा, जन्नत में जाने वालों की एक खूबी यह कि लोगों को मुआफ़ करते हैं। उन्हें फरमाया फ़ौत की मैंने तुझे माफ़ कर दिया। उसने आगे पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है, भला करने वालों से मोहब्बत करता है। का जा हर्रर तो कि मैंने तुझे आज़ाद किया, आज से अंधा बांधी नहीं रही, आज़ाद ज़िंदगी गुजार। हमें कोई आके मौके पे समझाए ओ भाई गुस्सा ना कर खिलाफ शरीयत है, कहेगा चुप कर मुझसे ज़्यादा जानता है तू। हमें कुछ सीधी भी बताया तो हम लड़ पड़ते हैं, और उनको जब बताया गया कुरान तो चुप कर गए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम गुस्सा को पी लें, दुनिया भी हमारी अच्छी है, आखरत भी हमारी अच्छी है। अगर हम अपने आप को बर्दाश्त वाली सिफत सिखा दें, दूसरों को तो सारे सिखाते हैं, अपने आप को हम सिखा दें कि मैंने बर्दाश्त करना है, मैंने सहना है, मैंने पी जाना है, मैंने चुप कर जाना है, फिर देखो अल्लाह कैसी बहारें